हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो अभी तक हमने जो किया था इसके बाद टू बी कंटिन्यू, और हम आगे करने वाले हैं। क्वेश्चन हमने तीन क्वेश्चन देख लिए हैं, मैंने बोर्ड पे जो किया था तीन, एक फर्स्ट क्लास में किया था, सेकंड क्लास में दो क्वेश्चन, उसके बाद मैंने बोला था आपको क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है वो करेंगे। अभी भी बैलेंस एस पर क्या रहेगा हमारा, हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बैलेंस एज पर, और वो भी फेवरेबल वाला, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन है मेरे पास एक, कहता है 30 जून 2019, 30 जून बोला है तो यहां लिखेंगे एज ऑन एज 30/6/2019, ये लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है ना? अगर ये नहीं लिखा तो नंबर आपके कट जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि कैश बुक, आपके साइड में क्वेश्चन शो हो रहा है और मैं यहां पे पढ़ लेता हूं, ठीक है ना? क्लियर। बैलेंस 12,000 रुपए, बट पासबुक शो डिफरेंट बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस इसने 12,000 बताया, लो जी 12,000 लिख दिया। आगे कहता है चेक पेड इनटू बैंक 8,000, बट कहता है जो चेक्स था पेड इनटू बैंक 8,000, बट आउट ऑफ दीज ओनली 6,500 रुपए क्रेडिट बाय द बैंकर। तो मैंने चेक इशू किया, पेड इन टू बैंक है तो चेक डिपॉजिट है, ये चेक डिपॉजिट, बट नॉट क्लियर। चेक मैंने बैंक में जमा किया। क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने 8,000 रुपए का चेक जमा किया, अब इसमें से कहता है 6,500 रुपए सिर्फ मिल गए हैं, तो 6,500 मिल गए, तो एरर कितने से होगा हमारा, एरर होगा हमारा 1,500 से। तो चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, 1,500 नहीं आए, तो पासबुक पे सोचिए, पासबुक तो माइनस होगा ना, नहीं आया तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस। पहले बोला था इलस्ट्रेशन वगैरह मत देखिएगा आप। द रिसिप्ट कॉलम कैश बुक अंडर कास्ट ₹200, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, इसको समझते हैं, ठीक है? पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद टू बी कंटिन्यू हम आगे करेंगे। ये तो नोट कर लिया आपने, है ना? तो मेरे पास स्पेस भी अच्छा खासा रह जाएगा, मैं इसको समझाता हूं, इसको हटाते हैं, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है? देखो ये मैं आपके सामने एक कैश बुक बना रहा हूं, कैश बुक इससे पहले ही करा था चैप्टर हमने। आप मुझे सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा आप बताइए, ये जो मैंने कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम बना रहे हैं, मैंने बोला था ना बैंक कॉलम की बात करेंगे, आप बताइए कैश बुक में जो बैंक कॉलम है इसमें रिसिप्ट साइड ये वाला होगा और पेमेंट साइड ये वाला होगा, है ना? तो दो साइड होते हैं बेसिकली इसके अंदर, एक रिसिप्ट है, अनदर क्या है हमारा, पेमेंट। आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा सेल्स 1,000 रुपये और यहां लिखा बाय साइड में परचेज 800 रुपये, ठीक है? तो ये हो गया रिसिप्ट साइड का अमाउंट और ये हो गया पेमेंट। अब यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस सीडी, सिंपली, है ना? आप मुझे जवाब दोगे कि सीडी क्या आएगा, तो आपका उत्तर, आपका आंसर है सर सीडी जो आएगा वो 200 आएगा, समझ रहे हो बात को? सीडी क्या आएगा, 200 आएगा। नाउ अब मैं कुछ कम या ज्यादा करता हूं, ठीक है? सबसे पहले कुछ वर्ड है उसको देख लेते हैं, कुछ वर्डिंग जो है उसको देखते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे,
तो इसके लिए थोड़ा जूम, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा अंडरकास्ट, ठीक है। इस अंडरकास्ट मैंने कैश लिख दिया, बताओ। और एक होता है शॉर्ट, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है कम, कम लिखना। एक होता है ओवरकास्ट या फिर एक्सेस। इसका मतलब होता है ज्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड और बैलेंस, यहां तक हमने देख लिया। मे बी पॉसिबल हमसे गलती हो सकती है, हमसे मे बी पॉसिबल है कि हमसे एरर क्या हो सकता है कि रिसिप्ट साइड में गलती से कम लिख दें या ज्यादा लिख दें, ये एरर हो सकता है हमसे, ठीक है। तो हम एक बार इंपैक्ट देखते हैं कि रिसिप्ट साइड में अगर हम कम लिखेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा सीडी पे, और रिसिप्ट साइड अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा सीडी पे। तो देखो, रिसिप्ट साइड में पहले 200 का बैलेंस था। अगर सपोज करो मैं यहां पे 900 लिखता हूं, सपोज करो इसको हटा के 1000 था, मैं यहां लिख देता हूं, याद रहेगा 1000 मेन बैलेंस 1000 है। मैंने सपोज करो 1000 की जगह पे यहां 900 लिख दिया, तो किस साइड मैंने 900 लिखा है, रिसिप्ट साइड एरर है या पेमेंट साइड? तो जवाब है सर, रिसिप्ट साइड एरर है। तो रिसिप्ट साइड मैंने कम लिखा तो मेरे बैलेंस जो पहले 200 था, इसके कम लिखने की वजह से क्या आएगा, 100। तो वेरी सिंपल, अगर रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट करिएगा तो आपका कैश बुक का बैलेंस कम आएगा, ठीक है ना। रिसिप्ट साइड को अगर आप अंडरकास्ट यानी कम लिखोगे तो आपका बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर हम ज्यादा की बात करें, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं 1100। नाउ ज्यादा लिख दिया, 1000 एक्चुअल वैल्यू था ज्यादा, तो अब मेरे पास जो बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा 300। तो वेरी सिंपल कि अगर रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट करोगे तो बैलेंस क्या आएगा, ज्यादा। समझ रहे हो बात को? यानी रिसिप्ट साइड कम लिखेंगे तो बैलेंस भी कम होगा, और रिसिप्ट साइड ज्यादा लिखेंगे तो बैलेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें पहले कैश बुक का इम्पैक्ट सोच लेते हैं, और इसका रिवर्स पड़ता है हमारे पासबुक पे इम्पैक्ट, ठीक है। ये तो मैंने रिसिप्ट साइड का आपको करके दिखाया, ठीक है, समझ में आई बात? यानी सर, आप मुझे बताना चाहते हैं कि जो हमारा सिचुएशन होता है अंडरकास्ट या ओवरकास्ट का, वो दो साइड हो सकता है। यस, बिल्कुल, दो साइड हो सकता है। एक हो सकता है रिसिप्ट यानी डेबिट साइड, एक हो सकता है पेमेंट यानी क्रेडिट साइड, ठीक है। रिसिप्ट साइड में दो पॉइंट्स आएंगे, विजुअल है आप सभी को, विजुअल है ना? नहीं है, अभी कर देते हैं। चलो जी, कंप्यूटर जी विजुअल करिए, ठीक है। रिसिप्ट साइड में जो मैंने यहां डेबिट लिखा है, या तो अंडरकास्ट होगा या ओवरकास्ट होगा। अगर रिसिप्ट साइड में अंडरकास्ट किया, तो अभी बताया था मैंने, रिसिप्ट साइड में अगर अंडरकास्ट करोगे तो बैलेंस क्या आया था, देखो 100, 200 के बजाय, तो बैलेंस हमारा कैश बुक का बैलेंस हमारा माइनस में आएगा। और अगर ओवरकास्ट हुआ तो आपके सामने जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। तो आंसर है सर, अगर ओवरकास्ट हुआ तो होगा प्लस, किसमें, कैश बुक, ठीक है। पहले कैश बुक समझ लेते हैं, उसके बाद क्या इंपैक्ट आएगा वो देखेंगे। अब मैं पेमेंट साइड की बात करता हूं, इसको पहले जैसा ही कर देते हैं। ये लो, इसको 1000 कर दिया, और अब ये भी हटा देते हैं। अब पेमेंट साइड की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर पेमेंट साइड में अंडरकास्ट कर दूं, यानी इसको मैं, एक्चुअल वैल्यू क्या था 800, इसको मैं 800 के बजाय 700 कर दूं,
तो क्या हुआ, मैंने 800 के बदले अगर 700 लिखा तो वैल्यू मैंने क्या लिखा है, कम। तो मेरे बैलेंस क्या आएगा, देखो मेरा बैलेंस आएगा अब एक्चुअल में 300, क्योंकि 1000 में से 700 माइनस करेंगे। तो इसका मतलब पहले की कंपैरिजन में बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगर पेमेंट साइड की मैं अंडरकास्ट की बात करूं, अगर पेमेंट साइड में अंडरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है हमारा, प्लस है ना। आप ही देखिए खुद, पेमेंट साइड 800 की बजाय मैंने 700 लिखा, मींस बैलेंस अंडरकास्ट हो गया। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम। सेम अगर मैं ओवरकास्ट की बात करूं, आप सोच के बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा ओवरकास्ट के केस में। अगर मैं यहां पे 800 था एक्चुअल फिगर, यहां मैं कर देता हूं सपोज करो 900, तो हमारा बैलेंस जो डिटरमाइन होगा वो होगा 100 रुपए। होना कितना चाहिए 200, हुआ कितना 100। तो अगर ओवरकास्ट होगा तो हमारा कैशबुक माइनस होगा, ठीक है। यानी ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताया कि हमारे रिसिप्ट साइड में, अगर रिसिप्ट साइड में सीधा सोचना है, अगर अंडरकास्ट बैलेंस कम, ओवरकास्ट बैलेंस ज्यादा, और पेमेंट साइड में उल्टा हो जाता है, अंडरकास्ट बैलेंस ज्यादा, ओवरकास्ट बैलेंस कम। रिसिप्ट साइड में अंडरकास्ट बैलेंस कम, ओवरकास्ट बैलेंस ज्यादा, पेमेंट साइड में अंडरकास्ट बैलेंस ज्यादा, ओवरकास्ट बैलेंस कम। ये बस आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस को करते हैं कैश बुक वाले को, तो सोचना किसके बारे में है? सर जी सोचना हमें पासबुक के बारे में है, सोचना हमें पासबुक के बारे में, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार इसको नोट करिए, मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम मैं अगले पॉइंट को पढ़ूंगा। नोट करिए पहले इसको, नहीं तो फिर मुझे क्वेश्चन भी डिस्प्ले करना होता है तो मैं साइड में क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, पहले नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए ठीक है, नोट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा, कहाँ गए क्वेश्चन जी, ये रहा। क्वेश्चन कहता है द रिसिप्ट कॉलम कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा, रिसिप्ट साइड अगर अंडर कास्ट हो तो कैश बुक का बैलेंस भी कम आ रहा होगा। अगर कैश बुक का कम आता है तो उसके दूसरे साइड पासबुक के बारे में सोचना है तो पासबुक का क्या होगा, प्लस होगा। फिर से मैं बोल देता हूं, अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक, अगर कैश बुक का प्लस बैलेंस है तो पासबुक का माइनस में चले जाता है, इसका माइनस है तो इसका प्लस, यानी रिवर्स इंपैक्ट पड़ता है। और हमें फाइनली सोचना किसके बारे में, पासबुक। नाउ अगर आपको कैश बुक के बैलेंस के बारे में अच्छे से पता चल जाता है तो डेफिनेटली आप पासबुक के बारे में इजीली सोच पाओगे। मैंने बोला कि हमारे कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम्स कम लिखा हुआ है, यानी कैश बुक का बैलेंस हमारा माइनस में आ रहा है, तो पासबुक का पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। तो सिंपल सी बात है सर, पासबुक तो ज्यादा होगा तो हम भी प्लस कर देंगे 200 रुपये। अगली एंट्री पे, थ्री एंट्री, ऑन 29 जून कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली इनटू बैंक बट एंटर इनटू द पासबुक ओनली। तो कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करा दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट, हमें बताया ही नहीं, इनटू बैंक। अगर हमने डायरेक्ट जमा करा दिया तो पासबुक के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा जी, पासबुक का बैलेंस तो हमारा बढ़ जाएगा, तो ये आ गया 3000 रुपया, ठीक है। चेक 9200 इशूड 22 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 15 जुलाई। चेक इशू बट नॉट, और कहता है ये प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड नॉट प्रेजेंट। तो मैंने चेक इशू किया और हम कामकाज जो कर रहे हैं जून का कर रहे हैं, तो चेक इशू मैंने पता है कितने किए थे, 92, जिसमें से 2200 का चेक जो पेमेंट गया वो जुलाई में गया, तो जून में तो 2200 का चेक नहीं गया। मैंने चेक दिया 92 का, जिसमें से 2200 रुपये का चेक कहाँ गया हमारा, जुलाई में। तो गलती कितने से है, 2200 रुपये से ही है, और 2200 का चेक इसका मतलब मेरा जून में निकल जाना चाहिए लेकिन नहीं निकला।
तो जब मेरे अकाउंट से जून में 2200 रुपये का चेक निकलना चाहिए, जो गलती से जुलाई में निकला है, तो जून के अंदर मेरे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा ही रहा होगा, क्योंकि बैलेंस तो निकला नहीं, प्लस होगा, तो ये भी हम कर देंगे प्लस 2200 रुपये। अगली एंट्री, पासबुक शो आ क्रेडिट 330 इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन पासबुक 330, तो प्लस होगा जी, पासबुक ने इंटरेस्ट शो किया है। इसके बाद डेबिट 60, बैंक चार्ज के काट लिए हैं, तो पासबुक में डेबिट किए हैं बैंक चार्ज, तो पासबुक के अंदर देखो, अगर डेबिट बोलूं मैं तो माइनस होता है पासबुक के अंदर, और क्रेडिट बोलूं तो प्लस होता है, तो डेबिट बैलेंस बैंक चार्ज, तो माइनस कर दिया कितने रुपए जी, माइनस कर दिया इसने 60 रुपीज। लो जी, बस क्वेश्चन खत्म। हम निकालेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, हमेशा इसका टोटल ज्यादा होगा। सिंपल सा अमाउंट है, कर लेते हैं 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17,400 और 730, 17,730, 17,730 इसमें से माइनस कर देते हैं 1500 रुपये, तो 14,230, और चौदह हजार दो सौ तीस, 30, 60, 70 आंसर आ गया 14,000। आप माइनस करिएगा 16,170, ठीक है, 17 में से 16,170 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब फटाफट से नोट करिए, साइड वाला भी मैंने लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे हम आपके लिए, तो नोट करिए। ये था इंपॉर्टेंट था, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, इसको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी आपका फेवरेट लैंग्वेज हो, उसके अंदर लिख लेना कि सर ने ऐसे बताया तो ऐसे करना है, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ज्यादातर बच्चों का डाउट रहता है, नोट करिए आप। कर लिया नोट, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मिटा दिया जाए, यस सर, मिटा दिया जाए, ये लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, अभी कैश बुक का ही चलेगा हमारा ना, कैश बुक 12,500। पॉइंट नंबर वन कहता है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बताओ चेक मैंने इशू किया है लेकिन नॉट प्रेजेंट है अभी तक, तो मेरे पासबुक से पैसे निकले होंगे क्या? सर बिल्कुल नहीं निकले होंगे, तो प्लस हो जाना चाहिए, पासबुक प्लस है। अगला कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, अब बताओ जमा किए मैंने तो पासबुक में पैसे आए, आए पैसे बताओ, अरे बोलते क्यों नहीं, नहीं आए तो माइनस में होगा जी, कितने 9,000। वेरी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं फटाफट से कर देता हूं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बताओ जी बैंक ने पेड किया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बताइए पासबुक पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट पेड हो जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो माइनस हो जाएगा जी,
कितने पेड़ किए भाई? 5,000। ये 600 नहीं 6,000 है। फॉन्ट बड़े करना है। ये लो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, अब ठीक है, डन। इसके बाद देखते हैं बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्ज। अब बताइए बैंक चार्ज क्या होगा? बैंक चार्ज, बैंक चार्ज बैंक से माइनस होता है। बैंक चार्ज 300 रुपये माइनस। बैंक चार्ज के बाद डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर क्या होना चाहिए बताओ? डिपॉजिट बाय कस्टमर किसके बारे में सोचना है? पासबुक। किसी ग्राहक ने मेरे बैंक में डायरेक्ट जमा करवा दिए तो मेरे पासबुक का बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? कस्टमर ने आपके अकाउंट, आप अपने अकाउंट में सोचो, बैंक में पैसे जमा कराए तो बैलेंस तो बढ़ जाएगा। कितने कराए? 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमेशा इंटरेस्ट हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। हमने कहीं पैसा लगाया होगा उस पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये डायरेक्ट बैंक में पहुंच जाता है डिविडेंड वगैरह। तो बैंक में पहुंच जाता है तो प्लस। मैंने बोला डिविडेंड वगैरह, कुछ देख रहे हैं सर ने क्या बोल दिया? देखो कई बार हम जैसे शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से जो फायदा पहुंचता है ना, तो वो कैश में नहीं आता, डायरेक्ट कहाँ चले जाता है? बैंक में चले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, तो बैंक प्लस हो जाता है। तो ऐसे ब्याज आया तो हमारा बैंक क्या हो गया? प्लस हो गया। जैसे एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट आता है। उसके बाद बोलता है कैश डिस्काउंट, अगला पॉइंट है कैश डिस्काउंट अलाउड 200 रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। अब इसके ऊपर देख लो, मेरे पास अगर मान लो मैं एक छोटा सा मिनी, ठीक है, डिस्काउंट तो आता ही नहीं है कैश बुक में, हम छोड़ देते थे, याद होगा डिस्काउंट लेते ही नहीं, लेकिन गलती से मैंने डिस्काउंट को क्या कर रखा है? कैश डिस्काउंट अलाउड 200 रॉन्गली डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। गलती से मैंने इधर 200 ज्यादा लिख दिया, किसमें? कैश बुक में। तो भाई गलती से जब इधर 200 ज्यादा लिखोगे तो इसके बैलेंस भी तो ज्यादा आ जाएगा, जब इधर बढ़ाओगे तो बैलेंस भी तो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 200 कैश बुक क्या हो गया? प्लस। हमें सोचना किसके बारे में? पासबुक। तो अगर कैश बुक 200 से प्लस है तो पासबुक पे क्या फर्क पड़ेगा सोचिए। कैश बुक 200 से प्लस हो गया हमारा गलती से, तो पासबुक हमारा क्या होगा? माइनस। तो माइनस कर देंगे हम यहां फिफ्थ सेवन सिक्स। तो कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अलाउड अलाउड रॉन्गली वो लिख लेना पूरा सेंटेंस आप, 200 रुपये, तो माइनस हो गया 200। चलिए जी, बैलेंस 6, 8, 6, 14 और 2, 16, 16 और 2, 18, 28, 500, 9 और 5, 14, 14, 500, 28,500, 14,500। देन आंसर इज 14,000 बैलेंस एज पर पासबुक। एक बात और देखना आप, ठीक है, जैसे कि इधर का टोटल 28,500 है, कई बार ऐसा हो जाता है कि इधर का टोटल ज्यादा आएगा तो बैलेंस इधर निकलेगा ना, तो वहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, नहीं बैलेंस नहीं आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा, इसको बदल देंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर निकल रहा हो ना तो ये हो जाएगा हमारा ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो वैसे यही निकल रहा है 14,000, तो यही लिख देते हैं हम, ऑल क्या, हम तो यही लिख देते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन हमने 5 कर लिए, एक और क्वेश्चन देखेंगे 6। जल्दी जल्दी करिए। कर लिया,
मिटा देते हैं। अरे नहीं करा तो चिंता क्यों करते हो बालक, चिंता क्यों करते हो। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। को ओहो लाइन भी सीधी नहीं खिंच रही, बताओ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे आपकी, और दो क्वेश्चन मैं दूंगा करने को। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है फॉलोइंग पर्टिकुलर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर। तो यहां पे डेट तो यही रह गया, ऐसे हटा दो, 31 दिसंबर लिखना है इसमें, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में बाय मिस्टेक रह गया था, जो अभी करा था उसमें आप चेंज कर लीजिएगा। कंफर्म कर लेंगे बच्चे, ठीक है, बड़े होशियार हो आप तो। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस कहता है हमारे पास है 10,000, ओल एक नंबर पक्के। आ चेक 500 इशू इन फेवर ऑफ करण हैज बिन नॉट प्रेजेंटेड। तो इसका मतलब चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। तो चेक इशू किया, मेरे अकाउंट से पैसे निकलने थे लेकिन नहीं निकले, तो बैलेंस क्या होगा? सर बैलेंस तो प्लस होगा, अकाउंट से पैसे ही नहीं निकले तो बैलेंस प्लस होगा। बिल्कुल सर बैलेंस प्लस होगा, कितने से? 500 से। अगला कहता है सेकंड पॉइंट में, ये था हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। कहता है बिल 700 रुपए रिटायर बाय द बैंक अंडर रिबेट 20, द फुल अमाउंट क्रेडिट इन द कैश बुक। अब रिटायर का मतलब क्या होता है? निकल जाना, पैसे निकल जाना। जैसे किसी का रिटायरमेंट होता है तो नौकरी लग जाती है, छूट जाती है, नौकरी छूट जाती है, सेम ऐसे। तो मेरे पास, अब ध्यान देना, एक मेरे पास ये मैंने आपको बताया कैश बुक, अब बैलेंस को सोचना, और ये है मेरे पास पासबुक। दो चीजें, पासबुक कुछ ऐसा होता है ना, यहां डेबिट क्लेज बोलता क्या है, ध्यान से देखिए। एक बिल था 700 रिटायर बाय द बैंक अंडर रिबेट 20, बैंक से रिटायर हुआ था, तो बैंक से अंडर रिबेट, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, तो 20 रिबेट होके तो मेरे बैंक से जो डेबिट हुआ होगा, विड्रॉन हुआ होगा, ओनली 620 हुआ होगा, 680, क्योंकि डिस्काउंट में था। लेकिन कहता है जो मैंने पैसे निकाले हैं, फुल अमाउंट हमने दिखा दिया, कैश बुक में जो माइनस किए वो किए 700। तो वेरी सिंपल, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो पासबुक में से माइनस हुआ 680, मतलब 700 का था और 20 रुपए रिबेट था, तो बैंक वाले थोड़ी गलती करेंगे, इन्होंने तो 680 माइनस किया लेकिन हमने 700 किया है, तो इसका मतलब ये साइड ज्यादा माइनस किया, तो इसका बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? इसका बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इधर हम ज्यादा दिखा देंगे क्रेडिट साइड में तो बैलेंस भी माइनस आएगा। तो अगर इसका बैलेंस हमें पता चल गया माइनस है, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? प्लस होगा। तो सेम ऐसे बिल अंडर रिबेट, बिल अंडर रिबेट रिटायर, ये क्या होगा? अगर हमारा कैश बुक माइनस है तो पासबुक प्लस होगा, और वो भी कितने से? सिर्फ और सिर्फ 20 से। फिर से समझिए, 680 और 680 तो कैंसिल आउट हो गया, गड़बड़ी कितने की है? 20 रुपए की है ना, कि 20 रुपए ज्यादा कैश बुक में माइनस किया हुआ है। तो इसका मतलब कैशबुक में अगर आपने ज्यादा माइनस किया है तो पासबुक में कम माइनस हुआ होगा, तो पासबुक का बैलेंस प्लस होगा, और कितने से? सिर्फ 20 रुपीज से। समझे बात को? सिर्फ 20 रुपीज से। तो ये मैंने एक थोड़ा सा वर्किंग नोट ओवरव्यू दिया, ये 20 हो जाएगा प्लस। चलिए, ओहो क्वेश्चन महाराज कहां गए? ये रहा। आगे कहता है कंटिन्यू में, अ चेक 295 डिपॉजिट इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। एक चेक डिपॉजिट किया, वो हो गया डिसऑनर्ड। अब कैशबुक याद करो, डिसऑनर्ड के केस में क्या होता था? बैंक से पैसा निकल जाता था, तो पासबुक क्या हो जाएगा? पासबुक हो जाएगा माइनस, कितने का? 295 से। अगले पॉइंट पे चलता है, सम 800 डिपॉजिट इनटू द बैंक क्रेडिट 80 इन द पासबुक। ओहो, सम मैंने करा डिपॉजिट
इनटू बैंक, बट कितने डिपॉजिट किए मैंने 800, बट क्रेडिट इन बैंक, बैंक मतलब पासबुक में सिर्फ 80 हुए। मैंने जमा करा 800 लेकिन गलती से 80 ही जमा हुए, तो डिफरेंस कितने का है? गड़बड़ी, गड़बड़ी है सर 720 रुपए का। तो मेरे बैंक में 720 रुपए कम आए तो इसका मतलब पासबुक माइनस होगा 720 से। हमें सोचना किसके बारे में है? सोचना पासबुक के बारे में है। पासबुक माइनस है तो हमने भी क्या कर दिया? माइनस। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। $295 के बाद हो गया हमारा, असम 800 भी हो गया, हमने कर लिया। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, बताइए क्या होगा? पेमेंट साइड कैश बुक अभी नोट किया था आपने, अंडर कास्ट, तो पेमेंट साइड कैश बुक का ये है, इधर जितना कम लिखोगे बैलेंस उतना प्लस आएगा, और इसका बैलेंस प्लस मतलब पासबुक का माइनस। तो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक कितने से बोल रहा है ये? 200 रुपए से, तो माइनस कर दीजिए 200 रुपए आप। क्वेश्चन इसके बाद एक और पॉइंट है लास्ट, सिक्स के बाद सेवन पॉइंट। अब बिल रिसीवेबल 1000 रुपए डिस्काउंटेड विद द बैंक नवंबर 2018, ये दिसंबर की बात कर रहा है, एक बिल था नवंबर में डिस्काउंट करवाया था, तो बिल का पैसा नवंबर का हिसाब किताब है वो, लेकिन डिसऑनर्ड हो गया 31 दिसंबर को, लेकिन अब पता चला वो डिसऑनर्ड हुआ, तो डिसऑनर्ड के केस में बैंक वाले पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन हम तो नवंबर में सोच के बैठे क्या होंगे कि पैसे आ रहा होगा ठीक तरीके से। सुनो, ये मान लो नवंबर है, नवंबर में बैंक के साथ मैंने डील किया, चेक वगैरह बिल वगैरह जमा कर दिया। अब दिसंबर का अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, तो दिसंबर में मुझे क्या पता चलेगा कि दिसंबर में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो दिसंबर में हमें पता चलेगा, अरे बैंक से तो पैसे निकल गए क्योंकि नवंबर वाला चेक नकली था, तो वो बाद में पता चलेगा, लेकिन कैश बुक में तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हमारा बैंक से पैसे निकल गए मतलब बैंक क्या हो जाएगा? माइनस। तो चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड यहां भी देखो, चेक डिसऑनर्ड था, सेम ही हो गया हमारा, यहां बीआर डिसऑनर्ड है, यहां चेक बस डेट बता के कंफ्यूज करना चाहता है आपको, और अमाउंट है 1000 रुपए, तो 1000 माइनस में लिखिए। ये लास्ट काम आपका, लास्ट काम आपका टोटल करना है। चलो मैं टोटल कर ही देता हूं, 10570 और 10570, यहां क्या निकलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक माइनस करिए फटाफट से, जवाब दीजिए माइनस करके जल्दी जल्दी जल्दी, तो इसका आएगा 8305। ठीक है, ये था क्वेश्चन। इसके बाद नोट करते जाइए, दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, मैं लास्ट में वीडियो के एंड में डिस्प्ले या तो फिर मैं नोट सेक्शन में डाल दूंगा आज, और वो दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में डन करने हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक के अंदर पॉजिटिव वाला खत्म हो गया, नेगेटिव वाला तो देखो कैसे खत्म होगा, छू मंतर, नेगेटिव वाला तो खत्म हो जाएगा, मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता ओवरड्राफ्ट को डरा के, तो अभी पहले पॉजिटिव वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे। नेगेटिव वाला एक क्लास में खत्म, उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा 2 से 3 क्लास में ये भी चैप्टर। मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इजी रहे, और जो बच्चे टीएस ग्रेवाल बुक करते हैं उनके बुक में सारा क्वेश्चन ये अवेलेबल होगा, मिल जाएगा वो इजीली। चलिए जी नोट करिए आप फटाफट से, ठीक है, नोट करिए, डन। चलिए ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और टाइम पे आना है और अच्छे से नोटिंग करना है सुंदर सुंदर राइटिंग में, और मुझे होमवर्क भेजना है। थैंक यू सो मच।